19.9% है, यानी 20%। रिक्वायरमेंट है 66% की, फॉरेस्ट एरिया के अंडर केवल 20% है। कारण क्या है, रिपोर्ट्स में बताया गया है 10 मिलियन ग्रेजिंग के कारण, और जिससे जंगलात डिप्लीट हो गए हैं और ओपन फॉरेस्ट की कैटेगरी में। लोगों की जमीन अब आप होलसेल में थोक में एक समुदाय विशेष को दे देंगे, तो जम्मू की डेमोग्राफी और जम्मू कश्मीर की इकोलॉजी के ऊपर ये आघात है इस इग्नोरेंट ब्रूटल और सेल्फ राइटियस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का। बिना पढ़े बिना लिखे ये कानूनों को एक्सटेंड करते हैं और केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाने का काम करते हैं। आपके कुछ सवाल हैं तो आप देखिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है, उसमें जो सीरियस कंसर्न्स हैं उन्हें नोटिफाई करने के लिए की गई है। देखिए, जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है उन स्टेट्स की तर्ज पे जहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था फॉर राइट रीजंस। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन फॉर रॉन्ग रीजंस की जा रही है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जंगलात की, फॉरेस्ट की ज़मीन के मालिकाना हक उन ट्राइब्स को दिए जाते हैं जो फॉरेस्ट की ज़मीन पर काफ़ी समय से रह के सेटल्ड कल्टिवेशन कर रहे हों, दूसरा फॉरेस्ट की प्रोड्यूस पे अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट हों, और तीसरा उनके टिलिंग राइट्स गवर्नमेंट ने या स्टेट ने या किसी महाराजा ने किसी समय पर रिकग्नाइज किए गए किए हों। तो जब ये तीनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं तो आप उन गाँव को कहते हैं फॉरेस्ट विलेजेस। जम्मू कश्मीर में एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो नोमैडिक रहे, कभी भी सेटल्ड कल्टीवेशन उन्होंने नहीं की। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्हें कभी भी टिलिंग राइट्स नहीं दिए गए, ग्रेजिंग करने के लिए राइट्स दिए गए विच आर डिफरेंट फ्रॉम टिलिंग राइट्स। इसीलिए जम्मू कश्मीर में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड ऑल्सो, कभी भी फॉरेस्ट विलेजेस नोटिफाई नहीं हुए। जम्मू कश्मीर में केवल और केवल रेवेन्यू विलेजेस हैं। अब इन डिफरेंट सिचुएशंस में वो कानून उठा के जम्मू कश्मीर पर लागू कर देना ऐसे समय पर जब जम्मू ऑलरेडी एक जीनोसाइडल डेमोग्राफिक इन्वेजन का असॉल्ट फेस कर रहा है, जहाँ पे जम्मू अपनी स्टेट लैंड्स फॉरेस्ट लैंड्स को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, मुझे लगता है कि जम्मू के लोगों के साथ इस सरकार का एक बहुत बड़ा किया हुआ ब्रूटल एक्ट, इट्स एन एक्ट ऑफ ट्रीजन अगेंस्ट द पीपल ऑफ जम्मू। हम ये चाहते हैं कि फॉरेस्ट राइट कमेटीज जो आपने कॉन्स्टिट्यूट की हैं इस कानून के तहत, वो आपने किन गाँवों को ग्राउंड बना के कर ली? क्या आपने फॉरेस्ट विलेजेस को बना के की? क्योंकि वो तो है ही नहीं। आपने रेवेन्यू विलेजेस को बना के कर दी और आसपास के जो सो कॉल्ड एनक्रोचर्स हैं उन्हें आपने रिप्रेजेंटेशन उसमें दे दी, तो उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो ऑब्वियसली ये सरकार मानेगी, क्योंकि ये सरकार ये सब कुछ अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रही है, एक समुदाय विशेष को खुश करके अपने फेवर में वोट्स लेने के लिए जम्मू का अहित कर रही है, देश का अहित कर रही है और कानून की भी धज्जियाँ उड़ा रही है। आज लाइफ स्टॉक के प्रेशर के कारण 10 मिलियन लाइफ स्टॉक जम्मू कश्मीर में, हमारे बहुत सारे जंगलात ओपन फॉरेस्ट बन गए हैं सरकार की रिपोर्ट कहती है, हमारे जंगल 66% रिक्वायर्ड है अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल के तहत, लेकिन यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया केवल 20% है और ओपन फॉरेस्ट बन गए हैं। उस परिस्थिति में जब आपको जंगलों को खाली करवा के इंक्रोचमेंट्स हटा के जंगल रिस्टोर करने हैं, आप इंक्रोचमेंट्स को एक दूसरे तरीके से लीगलाइज करके महबूबा मुफ्ती के 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर की एजेंडा को आगे लेके बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं, तो जम्मू की डेमोग्राफी और जम्मू कश्मीर की इकोलॉजी पे ये बहुत बड़ा आघात है। मुझे लगता है कि सरकार को तत्काल प्रभाव से इस पे एक और कमेटी बैठा के या डिस्कशंस करके इस प्रोसेस को फिलहाल हॉल्ट पे रखना चाहिए ताकि किसी के साथ भी इनजस्टिस ना किया जा सके।